तो देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देश का अभिन्न अंग होकर भी एक लंबे समय तक बाकी के हिस्से से एक गैप महसूस करते रहे। हालांकि पिछले कुछ समय में ये जो स्थिति है वो काफी बदली है, उसके पीछे केंद्र सरकार की पहल है, इसके साथ ही आम लोगों में बढ़ती जागरूकता भी गैप को भरने में एक अहम कदम उठा रही है। हालांकि इन सबके बीच AVVP ने भी इस पर एक नई पहल की है। क्या कुछ ये पूरी खबर है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो इधर झारखंड एकात्मता यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निकाला जाता है, और इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में डेलीगेट्स आए हुए हैं, 7 सिस्टर्स हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी के सदस्य, हम इनसे भी जानेंगे ये जो गैप जो पैदा कर दी गई है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों और एवं जो इधर झारखंड बिहार दिल्ली के बच्चों को, इस गैप को भरने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है अखिल भारतीय विद्यार्थी के सदस्य? सभी को नमस्ते। जो आपका सवाल है उसके मेरे हिसाब से ऐसा है, अभी जब से सरकार बदली है भारत सरकार, तो अभी मोदी जी जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को अपना मतलब घर समझते हैं और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में डेवलप हो रहे उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ा कोई गैप है। लेकिन पहले ऐसे देखने को मिलता था कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा अलग देखते थे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो माँ होती है माँ की दृष्टि से नहीं, दूसरी मतलब मौसी की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता था, और जिसके कारण ही विद्यार्थी परिषद को ऐसे सील के माध्यम से हमें कार्य चलाना पड़ा। अपना सील जो है वो अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन 1962 में इसका जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, उस समय पे ज़्यादा अफेक्ट अरुणाचल में हुआ था, क्योंकि आपको मालूम होगा अरुणाचल से तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है उधर से चाइना का अपना बॉर्डर हम शेयर करते भारत और चाइना का। तो तब विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता मतलब अरुणाचल आए थे, तो जब वो अरुणाचल आए तो उनको अरुणाचल जाने के लिए पास बनाना पड़ रहा था, और जब वो लोग पहुंचे तो उनको सवाल पूछा था कि लोग आप क्या भारत से आए हैं क्या? तो उस समय के हमारे PB आचार्य, बाद में वो पद्मनाभ आचार्य जी जो असम नागालैंड मणिपुर के वो गवर्नर रहे, बट उस समय 62 में वो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो जब वो आए थे तब उनको ये सवाल जब पूछा तो उनके मन में प्रश्न हुआ कि हम तो भारत के वासी है तो फिर हमको भारत से क्यों आए पूछा। तो उस समय के अपने नागालैंड के रानी थी रानी माई गायंडो, तो उनसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाके मिले तो माँ ने रानी माँ ने बोला जब इनसे बात हुई कि आप जो ये नॉर्थ ईस्ट से मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो भूल पूछ रहे कि आप भारत से आए हैं क्या, तो उसको कैसे हम दूरिया मतलब मना सकते हैं? तो रानी माँ ने बताया कि आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को अपने राज्यों में लेके जाए और अपने राज्यों के स्टूडेंट्स को नॉर्थ ईस्ट में लाए, क्योंकि कल्चर जब तक एक्सचेंज नहीं होगा और जब तक हम अपनी विषय नहीं रखेंगे लोगों के सामने तब तक ये जो दूरिया है हमारी, ये दूरिया हमेशा दूरिया ही बनती रहेगी। हमारे साथ नागालैंड से जो आए हुए हैं ये स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, ये नागालैंड से आए, हम इनसे भी जानना चाहेंगे हाउ डू यू लाइक टू विजिट इन रांची? Well, first of all, thank you for this warm welcome. And then, actually, it's like a great privilege, and I'm being honored that I got the opportunity to visit such a beautiful place with such a warm welcome at our station. And then we were taken back to our host family. So basically, it's for the first time that I visited now Ranchi. So let's hope for the best. It's the first day. There's another 2 days left, so let's hope for that. I hope that I'll be having a good stay over here in another one. Thank you. What would you like to say about the program of AVVP that was done for filling the gap between Northeast students and the students of Jharkhand Bihar? Okay, thank you for this wonderful question. Actually, it's a very good thing the AVVP is doing right now, because the gap that is created for the last few decades back between the Northeast and the Central India, it was very vast difference. Like, many people don't know still that there's a place called Northeast with 7 sisters that form together. So with the help of AVVP organization, now it's really helpful for each of the states. Now we got to get a lot of opportunities, fields, and then the way they are organizing the program, you know, like we exchange of culture and diversity program, and then the way they are working for the welfare for the students especially. So it's actually a wonderful organization, and it's for the first time that I've become a part of AVVP. I'm a fresher. So I hope, and I can assure you that from now on I'll be giving much more of my time if possible for this wonderful organization. Thank you. जैसा कि आपने कहा किस प्रकार से नागालैंड से आए हुए हैं, ये हमारे रांची में इनका स्वागत किया गया AVVP के द्वारा।
दफ्तर मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ रांची।